बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 13 ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टेबिलिटी। आज के जो कंटेंट्स हैं हमारे लेक्चर के वो हैं स्टेबिलिटी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होती क्या है, डिफाइन क्यों करते हैं, क्यों स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया डिटेल में कि आपके पास राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये हमें क्या चीज़ फाइंड करके देता है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन। इफ द सिस्टम इज अनस्टेबल, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट एरर्स आर मोर पॉइंट। अगर आपके पास एक सिस्टम है जो कि अनस्टेबल है तो आप उसका ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस आपके पास इररेलीवेंट थिंग बन जाती हैं, आप उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। एन अनस्टेबल सिस्टम कैन नॉट बी डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट एरर रिक्वायरमेंट। देर आर मैनी डेफिनेशन फॉर द स्टेबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सिस्टम्स और द पॉइंट ऑफ व्यू। वी लिमिट आवर सेल्स टू लीनियर टाइम इन वेरियन सिस्टम। स्टार्ट में हमने बताया था कि हम लीनियर टाइम इन वेरियन सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, तो अब हम अपने जो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है उसे डिफाइन करेंगे यूजिंग लीनियर टाइम इन वेरियन सिस्टम्स। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कहा था कि आपके पास जो कंट्रोल आउटपुट है, आप किसी भी सिस्टम के कंट्रोल आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द फोर्स रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन आपके पास जो टोटल रिस्पॉन्स होता है सी ऑफ टी, वो बेसिकली किससे मिल के बना हुआ होता है, वो आपके पास फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स दोनों के साथ मिल के बना हुआ होता है। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि आपके पास स्टेबिलिटी क्या होगी, इनस्टेबिलिटी क्या होगी और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या होगा। मोस्ट ऑफ द केसेज में कुछ डेफिनेशन आप लोग यूजिंग नेचुरल रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ आपके पास फोर्स रिस्पॉन्स को यूज़ करके स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, कुछ आपके पास ओवरऑल जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसको देख के हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। बेसिकली हम लोग जो सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे वो हम लोग टोटल रिस्पॉन्स को सामने रखते हुए सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे कि सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, कब आपके पास वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। अब हम अगर सिर्फ बात करते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स की, तो हम कह सकते हैं अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स अप्रोचेस टू जीरो एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, जब आपके पास टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है। ये कहता है अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज अनस्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स ग्रोज विदाउट बाउंड एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर आपके पास नेचुरल रिस्पॉन्स जो है सिस्टम का ग्रो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। द थर्ड केस में आपके पास क्या आता है, अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स नाइदर डिके नॉर ग्रोज बट कॉन्स्टेंट और ऑसिलेटिंग एट टाइम अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जो आपके पास पहला सिनेरियो है उसमें हम कह सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है अगर वो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है, सॉरी स्टेबल है। इफ अगर आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। और थर्ड जो सिनेरियो आपके पास आया है, इस केस में आपके पास क्या होगा, सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होगा, ना वो डिके कर रहा होगा ना वो राइज कर रहा होगा, वो क्या करोगे, एक कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा। इस किस्म की सिचुएशन को हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, मार्जिनली स्टेबल है, ये आपके पास मार्जिनली स्टेबल है, ये आपके पास अनस्टेबल है, और ये आपके पास क्या है, स्टेबल सिस्टम यूजिंग द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। Thus, the definition, अगर हम बात करते हैं, the definition of the stability implies that only the force response remain as the natural response approaches to zero. क्योंकि हम लोगों ने जितनी डेफिनेशन की है वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचुरल रिस्पॉन्स है, तो इसका मतलब फोर्स रिस्पॉन्स आपके पास उसी तरह रहेगा। दी डेफिनेशन रिलाइज ऑन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल रिस्पॉन्स। व्हाइल वन इज लुकिंग एट द टोटल रिस्पॉन्स, इट मे बी डिफिकल्ट टू सेपरेट द नेचुरल रिस्पॉन्स फ्रॉम द फोर्स रिस्पॉन्स। अब इस चीज़ को हम अगर सामने रखें तो हम फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स को अगर दोबारा कंबाइन करके अगर हम टोटल रिस्पॉन्स की अगर बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी वन दैट रिगार्ड द टोटल रिस्पॉन्स एंड इम्प्लाइज द फर्स्ट डेफिनेशन बेस्ड अपॉन द नेचुरल रिस्पॉन्सेज। अ सिस्टम इज स्टेबल इफ एवरी बाउंडेड इनपुट यील्ड्स अ बाउंडेड आउटपुट। इसको हम बाइबो क्राइटेरिया भी कहते हैं फॉर स्टेबिलिटी, BIBO, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। अगर आप किसी सिस्टम को कोई बाउंडेड इनपुट देते हो, उसके अगेंस्ट आपके पास कोई बाउंडेड आउटपुट आती है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ स्टेबल सिस्टम। तो अब अगर हम इस बाइबो कंडीशन को यूज़ करें और अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करें, तो हम कह सकते हैं अ सिस्टम इज स्टेबल इफ एवरी बाउंडेड इनपुट यील्ड्स अ बाउंडेड आउटपुट।
A system is unstable if any bounded input yields an unbounded output. तो आपके पास क्या होगा, बाउंडेड इनपुट के अगेंस्ट अगर कोई बाउंडेड आउटपुट आ रही है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास सिस्टम स्टेबल है। या आप इस तरह कह सकते हैं कि आपके पास अगर कोई सिस्टम बाइबो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो आप कह दें कि ये सिस्टम आपके पास क्या है, स्टेबल सिस्टम है। अगर वो बाइबो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा तो उस केस में आपके पास ये सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। अब हम बात करते हैं हाउ डू वी डिटरमिन इफ अ सिस्टम इज स्टेबल। तो अगर हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स वाली डेफिनेशन को देखें, हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर तो सिस्टम से पोल लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं, अगर स्टार्ट में आपको टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में हमने देखा था कि अगर आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हाफ प्लेन पे फॉर एग्जाम्पल माइनस ए पोजीशन पे पोल आता था तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म थी वो इस तरह की डिकेइंग फॉर्म में आती थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास लेफ्ट हाफ प्लेन पे सिस्टम के पोल्स मौजूद हैं तो या तो आपके पास वो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग किस्म का फंक्शन देगा वो, या आपको या फिर वो डैम्प्ड साइनोसाइडल नेचुरल रिस्पॉन्स देगा। डैम्प्ड नेचुरल साइनोसाइडल रिस्पॉन्स से क्या मुराद है कि आपके पास इस किस्म के दो रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, एक ये और एक ये। या तो आपके पास जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा, या फिर आपके पास जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो इस तरह से डैम्प आउट हो रहा होगा, ठीक है। दीज नेचुरल रिस्पॉन्स डिके टू जीरो एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। थर्स इफ The closed loop poles are in the left half of the plane and hence have a negative real part, the system is stable. Negative real part वाला यही अभी हमने देखा, आपके पास ये scenario आया हुआ था, यहाँ पे pole था ये minus a था, ठीक है। तो negative real part अगर आपके पास आता है system के अंदर या आपके पास poles जो हैं वो left half plane पे हैं तो आप कह सकते हैं system आपके पास क्या है, stable है। तो अगर हम इन टर्म ऑफ पोल्स बात करें तो कह सकते हैं सिस्टम स्टेबल सिस्टम हैव क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद पोल्स ओनली इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। ना तो वो जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर होंगे, ना वो राइट साइड पे कोई एक पोल भी होगा। आपके पास जितने भी सिस्टम के पोल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे होने चाहिए, लेफ्ट हाफ प्लेन पे होने चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि आपके पास जो सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल सिस्टम है। या उसी का वाइस वर्सा आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास पोल्स राइट हाफ प्लेन पे सिस्टम के लाए कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं आपके पास या तो वो प्योरली एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग का फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग साइनोसाइडल नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। क्या मुराद, अगर आपके पास सिस्टम के पोल्स लेफ्ट हाफ सॉरी राइट हाफ प्लेन पे हैं तो या तो आपके पास इस किस्म का ग्राफ का रिजल्ट आएगा जो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग होगा, या आपके पास साइनोसाइडल इंक्रीजिंग कमांड आ रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, ये इनका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा या मैक्सिमम हो रहा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। थस इफ द क्लोज लूप सिस्टम्स पोल्स आर इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन एंड हैंस हैव अ पॉजिटिव रियल पार्ट, द सिस्टम इज अनस्टेबल। पॉजिटिव रियल पार्ट से मुराद क्या है, आपका पोल इस पॉइंट पे होगा तो ये क्या है, प्लस ए है। जब इस किस्म का रिस्पॉन्स आपके पास इस किस्म की सिचुएशन आएगी कि आपके पास पॉजिटिव रियल पार्ट होंगे पोल के, तो आपके पास या तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कमांड फंक्शन आएगा आपके पास, या आपके पास साइनोसाइडली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा जो कि अनस्टेबल होगा। अब हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर सिस्टम का एक भी पोल राइट हाफ प्लेन पे आ गया, राइट साइड पे आ गया, ये अगर आपके पास एस प्लेन है ना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये आपके पास एस प्लेन है तो ये आपके पास क्या होता है, राइट हाफ प्लेन होता है, ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन है, और ये आपके पास क्या है, जी ओमेगा एक्सिस है। तो अब अगर पोल यहाँ पे आ जाए तो सिस्टम आपका अनस्टेबल है, अगर पोल आपके यहाँ पे आ जाए तो सिस्टम आपका स्टेबल है। अब अगर आपके पोल जी ओमेगा एक्सिस के ऊपर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। तो आपके पास अनस्टेबल होने के लिए किसी एक पोल का भी राइट हाफ प्लेन पे होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक पोल भी राइट हाफ प्लेन पे आ गया तो आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है, एक या एक से ज़्यादा, लेकिन मिनिमम एक अगर आपके पास आ जाता है तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ये अब आपके पास स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम के एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ आपके पास ये फीडबैक सिस्टम है, इस फीडबैक सिस्टम को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो पोल की पोजिशन आएगी वो आएगी, दो कम्प्लेक्स पोल आएंगे, एक रियल एक्सिस पोल आएगा, इनका जो रिस्पॉन्स होगा वो आपके पास इस किस्म का होगा, यानी डैम्प आउट हो रहा है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, स्टेबल सिस्टम है। सेम इसके दूसरी डायग्राम में आपके पास दूसरा ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब इसके जब आप लोग पोल्स और जीरोस कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आपके पास ये आएंगे, कम्प्लेक्स पोल आएगा और एक ये रियल पार्ट आएगा, लेकिन ये जो कम्प्लेक्स पोल हैं ये आपके पास कहाँ पे हैं, राइट हाफ प्लेन पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके ग्राफ में क्या है, एक्सपोनेंशियली
इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। अब ये सिनेरियो तो आपके पास बहुत आसान है ना, कि अगर आपके पास पोल्स की पोजीशन को आपका पता हो, आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन और ये ट्रांसफर फंक्शन तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का फ़र्क है कि मैग्नीट्यूड की वजह से ही आपके पास क्या हुआ, आपके पास अनस्टेबल बन रहा है और ये आपके पास क्या है, स्टेबल बन रहा है। क्योंकि जब आप इससे पोल्स और फीडबैक रिलेशन यूज़ करके पोल्स और जीरोज़ की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास पोल्स और जीरोज़ डिफरेंट पोजीशन पे आएंगे। अब हम देखते हैं नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द स्टेबिलिटी। एक तो आसान सी चीज़ है आपके पास ना, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको पोल्स की पोजीशन का पता हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है ये पोल है, यहाँ पे पोल है, तो मैं कह सकता हूँ सिस्टम स्टेबल है। मैं कहते हैं नहीं, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल है, सिस्टम अनस्टेबल है, कहीं पे भी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे है तो सिस्टम आपको मार्जिन स्टेबल है। अगर आपके पास कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसकी में आप पोल्स की पोजीशन को कैलकुलेट ना कर सको, ठीक है, पोल्स की पोजीशन को, ये अगर फॉर एग्जाम्पल पोल की पोजीशन आपको पता है, तो ये तो आपके पास एक तरह की नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन होगी ना। आप पोल की पोजीशन को देख के बता सकते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास एस पावर 100 है, एस पावर 200 है, तो उस केस में आपके पास स्टेबिलिटी आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, तो उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है, लेकिन ये नेसेसरी है लेकिन सफिशेंट नहीं है। सफिशेंट ना होने से मुराद क्या है कि आप कन्फर्मली उस चीज़ को नहीं कह सकते। जैसे कि आपके पास ये कंसिडर अ सिस्टम विद करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस। अब इसमें आपके पास कोई भी कोफिशेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जितने भी कोफिशेंट यहाँ पे लगे हुए हैं ना इस केस में, इस इक्वेशन के अंदर जितने भी कोफिशेंट हैं, उन सब में साइन सेम होना चाहिए। साइन सेम से मुराद क्या है, अगर ये प्लस है तो थ्रू आउट सारी इक्वेशन में सारे प्लस होने चाहिए, अगर ये माइनस है तो थ्रू आउट सारी इक्वेशन में सारे के सारे माइनस होने चाहिए। यानी इनके साइन चेंज नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट इनका साइन सेम होना चाहिए। ये आपके पास बेसिकली आती है फर्स्ट कंडीशन। दूसरी आपके पास तो क्या कहते हैं, देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म। नो मिसिंग टर्म से मुराद क्या है, यहाँ पे अगर ये टर्म बीच में से ना हो, ठीक है, ये टर्म नहीं है जी, आपके पास एस नॉट एस पावर एम है, फिर उसके बाद एस ए वन एस पावर एम माइनस टू है, बीच में से एक टर्म मिस होगी। या हम कह सकते हैं कि अगर इस किस्म की सिचुएशन आ जाए कि एस स्केयर प्लस एस, बल्कि एक और काम करते हैं, आपके पास मिसिंग टर्म को समझने के लिए ये आसान तरीके ना, एस क्यूब प्लस एस प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एस स्केयर मिसिंग है, तो आपके पास अगर कोई टर्म मिसिंग नहीं है, आपके पास सारे के सारे सेम हैं, हम कह सकते हैं ना, इफ़ अबव टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द सिस्टम विल बी अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल, ठीक है, सॉरी नॉट सेटिस्फाइड। अगर आपके पास कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो आप कह सकते हैं ये सिस्टम या तो अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन नीचे वो साथ ये कह रहा है कि इफ़ ऑल द कोफिशेंट हैव द सेम साइन एंड देर इज नो मिसिंग टर्म, वी हैव नो गारंटी दैट द सिस्टम विल बी स्टेबल। अगर कोई साइन भी मिसिंग नहीं है, कोई टर्म भी मिसिंग नहीं है, फिर भी हम गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि सिस्टम आपका स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अब अगर इसकी प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप देखें, तो आपके पास एक सिस्टम स्टेबल था और एक सिस्टम अनस्टेबल था। जो सिस्टम आपके पास अनस्टेबल था, वहाँ पे आपके पास सारे साइन भी सेम थे, आपके पास कोई मिसिंग टर्म भी मौजूद नहीं थी, स्टिल हम लोगों ने कहा कि वो सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल है। हम कह सकते हैं कि ये आपके पास सफिशेंट कंडीशंस नहीं है। आपके पास अगर ये कंडीशन फुलफिल कर भी रहा है सिस्टम, फिर भी आप ये नहीं कन्फर्मली कह सकते कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। लेकिन अगर कोई भी टर्म मिसिंग है, कोई भी साइन डिफरेंट है, तो आप कह सकते हैं या तो ये सिस्टम अनस्टेबल होगा या ये मार्जिनल स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राउथ हार्वर्ट्स क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। अब राउथ हार्वर्ट्स क्राइटेरिया क्या है, यूजिंग दिस मेथड वी कैन टेल हाउ मैनी क्लोज लूप सिस्टम पोल्स आर इन द लेफ्ट हाफ प्लेन, इन द राइट हाफ प्लेन एंड ऑन द जियोमेगा एक्सिस। इसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कितने पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं, कितने पोल्स आपके राइट हाफ प्लेन पे हैं, कौन से पोल आपके जियोमेगा एक्सिस पे हैं, जिनकी वजह से सिस्टम आपका स्टेबल, अनस्टेबल या मार्जिनल स्टेबल होता है। वी कैन फाइंड नंबर ऑफ पोल्स इन ईच सेक्शन ऑफ द एस प्लेन, बट वी कैन नॉट फाइंड देयर कोऑर्डिनेट। हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि अगर आपका सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, तो आपके लेफ्ट हाफ प्लेन पे कितने पोल्स हैं जिनकी वजह से आपका सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। द मैथड इज कॉल्ड राउथ हार्वर्ट क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। 1905 में ये डिज़ाइन किया गया या डेवलप किया गया।
द मैथड रिक्वायर टू स्टेप्स, इसमें आपके पास दो स्टेप्स हैं. सबसे पहला है जनरेट अ डेटा टेबल कॉल्ड राउट टेबल एंड देन इंटरप्रेट द राउट टेबल टू टेल हाउ मेनी क्लोज लूप सिस्टम सपोज आर इन द लेफ्ट हाफ प्लेन, इन द राइट हाफ प्लेन एंड ऑन द जे ओमेगा एक्सिस. ठीक है, उस टेबल से आपको पता लगेगा कि आपके पास कितने पोल्स राइट हाफ प्लेन पे हैं, कितने लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं और कौन कौन से आपके पास जे ओमेगा एक्सिस पे हैं. अब थोड़ी सी बात यह है कि आप कह सकते हैं कि ये चीज़ हम मैटलैब के थ्रू या किसी कैलकुलेटर के थ्रू भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें राउथ हार्वर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो मेन चीज़ राउथ हार्वर्ड्स की है वो बेसिकली डिज़ाइन प्रॉब्लम है. ठीक है, डिज़ाइन में हम लोग राउथ हार्वर्ड्स को यूज़ करते हैं. मेजॉरिटी जो काम इसका है वो डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम में, ये एनालिसिस में बहुत कम यूज़ होता है. अब हम देखते हैं कि राउट टेबल बनाते कैसे हैं. उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि ये आपके पास एक जनरलाइज्ड ट्रांसफर फंक्शन है. ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है. अब इसमें सबसे पहले जब ये आप राउट टेबल बनाने लगे, सबसे पहले आपने देखना है कि राउट टेबल स्टार्ट कहाँ से होगा और टर्मिनेट क्या होगा. ये आपको बताएगी सिस्टम की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर आप देखें तो एस फोर आपके पास जो है वो हायर पावर है, फिर उसके बाद एस क्यूब है, फिर एस स्क्वायर है, फिर एस वन है, फिर एस नॉट है. तो आपका राउट टेबल स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखें, आपकी हायर पावर से. यहाँ पे आपने लिख दिया एस फोर, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएँ एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस वन, एस नॉट. ठीक है, अगर इसमें बीच में कोई टर्म मिसिंग भी है, लेकिन यहाँ पे आपने फिर भी उसी तरह सारी चीज़ें लिखनी है एस फोर से लेके एस नॉट तक. स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या बताएगा? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो सबसे हायर पावर होगी वो आपको बताएगी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एस फोर अगर हाईएस्ट पावर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा राउट टेबल का. राउट टेबल एस फोर से स्टार्ट होगा और जो मिनिमम एस की वैल्यू होती है वहाँ तक जाएगा. अगर यहाँ पे एस नॉट ना भी होता फिर भी मैं एस नॉट तक इसको मेंशन करता. ठीक हो गया यहाँ तक. अब हम क्या करेंगे, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से अपनी ये पहली दो रोज जो हैं ये फिल करेंगे. इन दो रोज को कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, एस फोर है. एस फोर इज़ एन ईवन नंबर. ठीक है, इवन नंबर है ना, तो आपने क्या करना है, जितने भी इवन कोफिशेंट आपके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हैं उनके कोफिशेंट्स यहाँ पे लिखते हैं. देखें ये एस फोर है, फिर एस स्क्वायर है और फिर एस नॉट आपके पास इवन नंबर आता है. तो यहाँ से मैं क्या उठाऊंगा, इसके साथ ए फोर उठाऊंगा, ये मैंने लिख दिया ए फोर. इसका कोफिशेंट क्या है, ए टू है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. और एस नॉट का कोफिशेंट क्या है, ए नॉट, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. तो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आपके पास क्या आएगा, आड नंबर आएगा. तो यहाँ पे आड वाली टर्म्स कौन कौन सी है, ये आड वाली टर्म है और ये आड वाली टर्म है. तो इनके कोफिशेंट लिख दिए मैंने ए थ्री, ए वन, और आगे क्योंकि थर्ड टर्म नहीं है तो इसलिए इसे यहाँ पर मैंने ज़ीरो लिख दिया. ये लिखे या ना लिखे ए की बात है, लेकिन मेरे पास कोई टर्म नहीं आ रही तो मैंने इसको क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया. जब आप ये दो रोज बना लेंगे तो आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का काम ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, अब आपके लिए आपने जब रो थ्री, रो फोर या रो फाइव बनानी है तो सबसे पहले हम देखते हैं रो थ्री के लिए. बता दो रो थ्री के लिए आपने इन दो रोज को यूज़ करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास रो थ्री की वैल्यू आई बी वन, बी टू और बी थ्री, फॉर एग्जाम्पल आ गई. ठीक है, अब जब मेरे पास ये थर्ड रो आ जाएगी तो मेरे पास ऊपर वाली ये जो रो है ये ख़त्म हो जाएगी. ख़त्म से मुराद कि अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसे मैंने यूज़ नहीं करना. अब मैंने अगर इस जगह ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी वन, सी टू, सी थ्री, तो इसके लिए मुझे जो दो लाइन दो रोज़ चाहिए होंगी वो मुझे ये दो रोज़ चाहिए होंगी. ठीक है, इन दो रोज़ की मदद से मैं सी वन, सी टू और सी थ्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा. जैसे ही मेरे पास सी वन, सी टू और सी थ्री की वैल्यू आई, मेरे पास इस रो का काम ख़त्म हो गया. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे x चाहिए, यहाँ पे मुझे x चाहिए. याद रखें s नॉट की जहाँ s नॉट वाली रो होगी वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, इन जगहों पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा. यहाँ पे सिर्फ आखिरी एक ही एलिमेंट आएगा, इस चीज़ को याद ध्यान में रखना है. ठीक है, तो मुझे अब चाहिए फॉर एग्जाम्पल x. तो x के लिए मुझे कौन सी दो रोज़ की मदद लेनी पड़ेगी, मुझे इन दो रोज़ की मदद से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी. जैसे ही मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास राउट टेबल टर्मिनेट हो गया. ये वैल्यूज़ क्यों नहीं आती, क्योंकि आपके पास हमेशा जो राउट टेबल है वो बेसिकली इस तरह से डिक्रीज हो रहा होता है. ठीक है, यह अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो आपके पास जो राउट टेबल होगा वो सॉल्व होते 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 इस तरह से डिक्रीज होता था. यहाँ पर सिर्फ आखिरी एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि ये एक्स यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया था. ठीक हो गया, तो ये रिड्यूस होता जाएगा आपके पास राउट टेबल. अब हम इसे आगे देखते हैं कि आपके पास ये बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री और एक्स की वैल्यूज़ कैसे आती हैं, नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करते हैं. अब हम बनाते हैं रो थ्री.
अब बेसिकली रो थ्री आपके पास जब बना रहे हो तो आपके पास फार्मूला क्या होता है मैम, 1 डिवाइडेड बाय a3 -1 डिवाइडेड बाय a3 a4 a3 a2 और a1 का डिटर्मिनेंट है। तो ये आपके पास बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, b1 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हम लोग जब b1 फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो इन दो को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दो का डिटर्मिनेंट देंगे -1 बाय ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें a3 आ जाएगा। अब जब मैं b2 को बनाऊंगा तो b2 के केस में क्या होगा, मेरे पास यही -1 बाय a3 इसी तरह रहेगा, यानी ये -1 बाय a3 इसी तरह रहेगा। अब मैं इसको लूँगा फर्स्ट कॉलम में और फिर इसको लूँगा सेकंड कॉलम में, ठीक हो गया। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, b2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट लेंगे, ये डिटर्मिनेंट 2+2 का डिटर्मिनेंट लेंगे, डिवाइडेड बाई a3 करेंगे तो आपके पास b2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने b3 निकालना है तो यहाँ पे इससे आगे, इससे जो आगे वाली रो होगी वो बेसिकली क्या होगी, 0 0 होगी, क्योंकि आगे कोई कोफिशेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो -1 बाय a3 अपनी जगह पे रहेगा, ये कॉलम आ जाएगा एक और दूसरा कॉलम ये आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से आपके पास ये जो राउट टेबल है ये रिड्यूस होता है इस तरह से, इस डायरेक्शन में आपके पास रिड्यूस हो रहा होता है। अब मैं कहता हूँ C1 और C2 और C3 फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो C1 C2 C3 फाइंड आउट करने, मैंने आपको क्या कहा था कि ये ऊपर वाली रो क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इन दो रो की मदद से ये वाली रो बनानी है। तो अब क्या होगा, -1 बाय ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे हम पहले 1 बाय a3 आया था ना, अभी आ गया। अब ये कॉलम और ये कॉलम लूँगा, यहाँ पे इनका डिटर्मिनेंट लूँगा तो मेरे पास C1 आ जाएगा। सिमिलरली मैं अगर ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मैं इस कॉलम को लूँगा और इस कॉलम को लूँगा। अब आपको पता है ये कॉलम ऑलरेडी पूरी की पूरी रो ज़ीरो है, तो डेफिनेटली ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। इससे आगे जितनी टर्म्स हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी, हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब मैं नीचे आ जाता हूँ, अब मैं एस नॉट फाइंड आउट करता हूँ। एस नॉट के लिए मुझे अब क्या, मैंने क्या कहा था, ये जो होगी रो ये डिस्कार्ड हो जाएगी, ऐसा ही है, ठीक है। अब मैंने इन दो रोज की मदद से, इन दो रोज की मदद से ये फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, अब -1 बाय ये टर्म आ जाएगी C1, ठीक है। और डिटर्मिनेंट किसका आएगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इन दो का आएगा, इसका और इसका आएगा। ये देखें ये आ गया डिटर्मिनेंट, और आगे क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म जीरो है तो इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास एस नॉट में सिर्फ एक टर्म बच जाएगी, फाइनल जो टर्म बचेगी वो एक टर्म बचेगी। तो अब अगर मैं राउट टेबल को देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट राउट टेबल बन चुका है, ठीक है। ये सारा का सारा का मेरे पास एक कंप्लीट हो गया। जब मेरे पास एस नॉट पे जब मैं जैसे ही पहुंचूंगा तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे मेरे पास टेबल जो है वो टर्मिनेट हो गया या टेबल क्लोज हो गया। अब मैंने डिस्कस करनी है स्टेबिलिटी, कि यहाँ से मुझे कैसे पता लगेगा कि सिस्टम मेरा स्टेबल है अनस्टेबल है, कितने पोज मेरे राइट हाफ प्लेन पे है, कितने मेरे राइट है लेफ्ट हाफ प्लेन पे है, और कहाँ पर मेरा सिस्टम जो है मार्जिनली स्टेबल है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम को देखना है। इस फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने साइन चेंजेस देखनी है कि कितने साइन आपके पास चेंज हो रहे हैं। जितने आपके पास साइन चेंज होंगे उतने पोल आपके लेफ्ट हाफ प्लेन पे होंगे। आगे हम एग्जांपल करते हैं, उससे आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि कैसे हम उनके साइंस को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ तक जो आपको चीज़ देखनी थी वो क्या था कि राउट टेबल आपने कैसे बनाना है। यहाँ तक हमने सीख लिया कि हमने राउट टेबल को कैसे जनरेट करना है। अब ये बता रहा है राउट टेबल आपने कंप्लीट कर लिया। अब ये कहता है कि राउट टेबल क्राइटेरिया स्टेट्स दैट द सिस्टम इज स्टेबल इफ एंड ओनली इफ ऑल एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम हैव द सेम अलजेब्रिक साइन। इफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट ऑफ द सेम साइन देन द नंबर ऑफ साइन चेंजेस ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन द राइट हाफ ऑफ द प्लेन एस प्लेन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट विद द पॉजिटिव रियल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट कॉलम को देखा तो मेरे पास जो वैल्यूज आई वो आई प्लस सॉरी तो ब्लैक कर देता हूँ प्लस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई माइनस एफ माइनस जी, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जो है ये फर्स्ट कॉलम था किसका, राउथ टेबल का। अब इस फर्स्ट कॉलम में मैंने साइन चेंज देखने हैं। अगर मैं प्लस से प्लस की तरफ आऊँ तो कोई साइन चेंज नहीं है, प्लस से जब मैं माइनस पे गया तो एक बार साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस पे गया तो दूसरी बार साइन चेंज हो गया, फिर प्लस पे गया कोई साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस से माइनस गया तीसरी बार साइन चेंज हुआ, अब माइनस से माइनस जा रहा साइन चेंज नहीं हो रहा। तो इस पूरे टेबल के अंदर कितनी बार साइन चेंज हुआ, 3 बार साइन चेंज हुआ। तो इसका मतलब है कि मेरे राइट हाफ प्लेन के ऊपर 3 पोल मौजूद हैं जिनकी वजह से मेरा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, प्लस ए है, प्लस बी है, प्लस सी है, प्लस डी है, प्लस ई है, ये सारा मेरे पास फर्स्ट कॉलम आ गया, ये फर्स्ट कॉलम है। अब देखें कोई साइन चेंज यहाँ पे हो रहा है, सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव, इसका मतलब है कि मेरे पास राइट हाफ प्लेन पे कितने पोल हैं, कोई पोल राइट हाफ प्लेन पे नहीं है। तो इसका मतलब मेरा सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये सिचुएशन आ जाती है, मैं मुख्तलिफ सिनेरियोज तब डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ भी इस किस्म की वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। मेरे पास आ जाता है प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई। अब इस केस में अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखूं, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम को देखूं प्लस से प्लस साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस से माइनस साइन कितनी बार चेंज हुआ, एक बार चेंज हुआ, माइनस से माइनस साइन चेंज नहीं हुआ, फिर माइनस से माइनस साइन चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि राइट हाफ प्लेन पे कितने पोल्स हैं, एक पोल पड़ा हुआ है जिसकी वजह से सिस्टम आपका अनस्टेबल हो रहा है। अगर यहाँ पे ये मेरे पास प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता तो फिर क्या था, प्लस से माइनस एक बार, माइनस से प्लस दूसरी बार, और फिर प्लस से माइनस तीसरी बार, तो इसका मतलब है मेरे राइट हाफ प्लेन पे कितने पोल आ गए, 3 पोल आ गए। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास टोटल कितने पोल्स हैं जिनकी वजह से सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल हो रहा है। अभी आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। पी ऑफ एस इज इक्वल टू 3s7 प्लस 9s6 प्लस 6s5 प्लस 4s4 प्लस 7s3 प्लस 8s2 प्लस 2s प्लस 6। इसकी ये आपके पास किसी भी सिस्टम की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि मेक अ राउट टेबल एंड टेल हाउ मेनी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स आर इन द राइट हाफ प्लेन एंड इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। तो अगर इसमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखूँ तो इसके हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 है, इसका मतलब है मेरे पास 7 पोल होंगे, 7 पोल्स होंगे इस सिस्टम के, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका राउट टेबल जनरेट करूँ तो राउट टेबल मेरे पास क्या बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से बनना शुरू करेगा, जो आपकी मैक्सिमम पावर होगी। तो आपकी मैक्सिमम पावर कितनी है जी, आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो 7 है, तो इसका मतलब मेरा राउट टेबल स्टार्ट होगा S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 और S0 पे, ठीक है। फर्स्ट दो जो रोज़ हैं आपके पास, ये वाली दो रोज़ जो हैं, ठीक है, ये हम बनाते हैं कहाँ से, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से। कैसे बनाते हैं वो भी मैं देख देता हूँ, मैं ऐसे ज़रा सा नीट करके बना देता हूँ, बाकी आप लोग डिटेल में आप लोग खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि आप लोग कैसे राउट टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं से फर्स्ट टू रोज़ आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया जाए। तो जो हमारे पास पहली टर्म है वो क्या है, S7 कौन सी है जी, ये आर टर्म है, तो जितने भी आर टर्म्स हैं उनके कोफिशेंट यहाँ आ जाएंगे। आपके पास जितने भी आर टर्म्स हैं कौन कौन से, S3 वाला आर टर्म, सॉरी S5 वाला आर टर्म है, S3 आर टर्म है, S1 आपके पास आर टर्म है, तो इनके कोफिशियंट्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इनके कोफिशियंट्स क्या हैं जी, इनके कोफिशियंट्स हैं 3, सॉरी थोड़ा डार्क कर देता हूँ थोड़ा क्लियर हो जाए, 3 6 7 और 2। तो ये अब सिक्स सिक्स आपके पास क्या है, इवन नंबर है, तो बाकी आपके पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बची हैं वो सारी की सारी क्या बची हुई हैं, इवन बची हुई हैं। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ठीक है। एस की पावर क्यों इवन कह रहा हूँ मैं, ठीक है, 6 मतलब S6 इवन है, S4 इवन है, S2 इवन है और S0 इवन है। तो इनकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या है इनकी वैल्यूज, 9 4 8 1, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या बन गई, दो रोज बन गई यूजिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब अगर मैंने यहाँ से थर्ड रो बनानी है तो थर्ड रो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो मेरे पास वैल्यू है ये है ए, तो अब ए किस चीज़ के इक्वल होगा, ए बेसिकली इक्वल होगा -1/9, और कौन से दो कॉलम लूँगा, ये वाले 3 9 6 4, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1/9, 4 × 3 12, -54, तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 4.7, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई, 4.7।
यहाँ मैं ए को रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ, 4.7 के साथ। जब इसे कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई कितनी थी, 4.7। तो ये मैंने लिख दिया 4.7। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको कहता हूँ, ये आपके पास है जी बी टर्म, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी इज इक्वल टू -1/9, 3, 9। अब मैं कौन सा वाला कॉलम लूँगा, अब मैं ये वाला कॉलम लूँगा 7, 8। ठीक है, जब इसको सॉल्व करूँगा, ये जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा, -1/9, 8 × 3 = 24, -63, ये आपके पास आ जाएगा 4.3। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4.3। तो ये 4.3 में पुट कर दूँगा कहाँ पे, इस जगह पे, ये आपके पास बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 4.3। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करता हूँ सी, तो सी किस चीज़ के इक्वल होगा, -1/9, पहला कॉलम अपनी जगह पे रहेगा और अब ये वाला कॉलम यूज़ कर दूंगा 2 और 1, इसको मैं थोड़ा बैठा देता हूँ ताकि आसानी, 2 और 1 वाला। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या है, ये आपके पास आ जाएगा 1.6। ठीक है, 1.6 आ गया, तो इसको उठा के यहाँ मैं पुट कर देता हूँ सी की जगह पे, सी की जगह पे आ गया 1., सॉरी इसको मिटा देता हूँ, 1.6। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये है वैल्यू डी, इस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डी किस चीज़ के इक्वल होगा, -1/9, 3/9, तो इससे आगे कॉलम क्या है, 0, 0 है, तो 0, 0, इसका मतलब एंटायर रो 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। मैं डी की वैल्यू लिखूँ या नहीं लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे पता है क्या है, 0 है। अब अगर आप देखें तो ये टेबल यूँ रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, S4 फाइंड आउट करता हूँ। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपके पास थर्ड रो आ जाए तो जो आपके पास टॉप वाली रो होती है इसका काम ख़त्म हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इन दो रोज़ की मदद से आपने S4 फाइंड आउट करना है। अब मैं S4 को फाइंड आउट करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास ए वैल्यू है, तो बेसिकली ए किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू, अब मैंने S6 और S5 वाली रो यूज़ करनी है, -1/4.7, ये क्या आ जाएगा 9, 4.7, और ये आ जाएगा 4 × 4.3। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, अब मैं सॉल्व नहीं करता, इससे आगे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, बी कहता हूँ, ये आपके पास बी है, ठीक है, सेकेंड टर्म आपके पास बी है, तो बी किस चीज़ के इक्वल होगा, -1/4.7, 9, 4.7, और ये आपके पास, अब पहले मैंने ये दो लिए थे, अब मैं ये वाले दो लूँगा, 8, 1.6। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, सी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, मैं कहता हूँ इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास बेसिकली क्या है, सी है। ठीक है, इसमें कहते हैं ये आपके पास क्या है, सी है, तो सी इज़ इक्वल टू -1/4.7, 9, 4.7, ये आपके पास, अब मैं ये वाली टर्म लूँगा 1, और क्या है, 0 है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने मैंने फाइंड आउट करनी है S3 वाली रो, तो क्या होगा, अब मेरे पास जो ये रो है ये ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म से मुराद कि इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मेरे पास इन दो रोज़ की मदद से ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास L है, तो L किस चीज़ के इक्वल होगा, -1/A, 4.7A, 4.3B, इसी तरह सोवान आगे आप चलते जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल आप खुद डिटेल में सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी कितनी, आपको कितनी राउथ हार्डवर्ड्स बनाने की समझ आई है। जब आपके पास राउथ हार्डवर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इस रो इस कॉलम को सिर्फ चेक करना है कि इसमें साइन कितने चेंज हो रहे हैं। अगर मैं अभी तक देखूं तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो अगर सिस्टम स्टेबल हुआ तो ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, प्लस होंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो 7 पोल्स हैं वो सातों के सातों आपके लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें अगर एक कोई साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये आ गया जी, ये आ गया माइनस आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्लस से माइनस एक बार साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस ये दूसरी बार साइन चेंज हुआ, तो आप कह सकते हैं 5 पोल राइट हाफ सॉरी लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं और 2 पोल्स आपके पास राइट हाफ प्लेन पे हैं, तो आप इस आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। प्रैक्टिस के लिए आप लोग खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग उसे लाइव सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।